मैं ताजुब कर रहा हूं कि लोकसभा मुख्तलिफ आवाजों में कैसे बोल सकता है। लोकसभा तो एक ही आवाज में बोलना चाहिए, और लोकसभा भी भारत के संविधान आईन के बेसिक स्ट्रक्चर का ताबे है। और सर ये इसलिए कह रहा हूं कि 16 दिसंबर को ये ले कर देता हूं, 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप इजाजत दीजिए तो मैं पढ़ता हूं सर। दिस हाउस, अच्छा ये गुलाम नबी उस वक्त के मिनिस्टर थे, आज नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था। दिस हाउस स्ट्रांगली एंड अनइक्वोकली कंडेम्स द डेसिक्रेशन एंड डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद एट अयोध्या बाई एंड एट द इंस्टिगेशन ऑफ फोर्सेज रिप्रेजेंटेड अमंग अदर्स बाई VHP, RSS एंड द बजरंग दल विच हैज कॉज्ड कम्युनल वायलेंस इन द कंट्री। सच एक्ट ऑफ वैंडलिज्म वॉज कैरिड आउट नॉट ओनली इन वायोलेशन ऑफ ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट बट अमाउंटेड टू एन अटैक ऑन द सेक्युलर फाउंडेशन ऑफ आर कंट्री। This House expresses anguish at the happenings and wishes to reiterate its resolve that it will ceaselessly endeavor to uphold the secular and democratic tradition of our country and for the maintenance of rule of law. और एक पैराग्राफ है, नहीं पढ़ूंगा। मैं ताजुब कर रहा हूं कि जब इस ऐवान ने एक रेजोल्यूशन पास किया तो हुकूमत आएगी जाएगी, और हुकूमत ये मोदी हुकूमत जश्न मना रही है जो 6 दिसंबर को हुआ।